नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीत है। आप देख रहे हैं शहडोल डायरीज, और ये जो वीडियो है वो उनके लिए थोड़ा सा बुरी खबर है जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और लॉकडाउन में घर में थे और उनकी कंपनियां सैलरी नहीं दे रही हैं। हालांकि 25 मार्च से लॉकडाउन अप्लाई हुआ था और 29th ऑफ मार्च को गवर्नमेंट के तरफ से इंस्ट्रक्शंस भी आए थे कि कंपनियां सैलरीज ना काटें और जो भी काम करने का पीरियड है उसको अगर घर में बैठा के काम कर सकते हैं तो अच्छा है, और इनकेस नहीं कर सकते तो भी सैलरी दें, किसी भी काटें। तो इस डिसीज़न पे एक कंपनी है फिक्स पैक करके तमिलनाडु की, वो चेन्नई हाई कोर्ट में उसने अपील दायर कर दी थी कि भाई जब हम काम नहीं कर रहे हैं तो हम पैसे कैसे कमाएंगे, हम कैसे सैलरी देंगे। उनकी बात कुछ हद तक सही भी है। यहाँ पे बात प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशनों के पास पैसा तभी आता है जब वो काम करते हैं। मींस जैसे सरकार के पास पैसा कब आता है, जब ओवरऑल एक्टिविटीज़ चल रही हों, टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हों, टैक्सेस से पैसा आता है, वही टैक्सेस से वो सारे काम करती है और अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे देती है। बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐसा नहीं है, उसको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं आता है। सो दे हैव टू वर्क हार्ड। कॉम्पिटिशन भी है, अब ये तो बहुत टिपिकल सिचुएशन आ चुकी है, तो इस तरह की सिचुएशन में कैसे पैसा दें एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो चेन्नई हाईकोर्ट ने ये डिसीज़न दिया है कि किसी को भी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट बाउंड टू गिव पेमेंट बिटवीन लॉकडाउन पीरियड। जो लॉकडाउन पीरियड था उसमें काम नहीं होने पे अगर वो पेमेंट नहीं देता है तो उसके ऊपर कोई बाउंडनेस नहीं है, वो जब कमाएगा ही नहीं तो कैसे पेमेंट देगा, सीधी सी बात है। इस पूरी खबर का जो मींस मेन लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप चेक भी कर सकते हैं कि ये खबर बिल्कुल सही है। और ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे पेमेंट, बहुत सारे लोग पेमेंट दे भी रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस, और बिटवीन जब काम नहीं हुआ है तो भी बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो नहीं दे रहे। छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, प्राइवेट कंपनियों के लिए ये स्थिति थोड़ा सा टिपिकल हो जाती है, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। और शायद जो कंपनी ने अपील दायर की थी फिक्स पैक, शायद उसके साथ भी ऐसा ही कुछ रहा हो, नहीं मैनेज कर पा रही हो बिना काम के पैसे मिलना, इसलिए शायद उसने अपील दायर की और चेन्नई कोर्ट ने उसके फेवर में डिसीज़न दिया दैट इफ देयर इज नो वर्क देन नो सैलरी। तो अगर आप इस तरीके के किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में, और आप प्रेशर बना रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या फिर ऐसा कुछ है, तो शायद ऐसा नहीं हो पाएगा बिकॉज इट्स नॉट बाउंड, इट्स नॉट कंपल्सरी टू कंपनीज कि वो लॉकडाउन पीरियड में जब काम नहीं हुआ, उनके पास पैसे नहीं आए तो वो सैलरी दे। लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा होता है, जैसे 21-22 मार्च तक तो काम हुआ ही था तो मोस्टली मार्च की सैलरी मिल गई होगी, बफर सिर्फ एक महीने का बनाना था दैट इज़ अप्रैल, लेकिन अब ये मई पूरा लॉकडाउन हो गया तो सिचुएशन थोड़ा ख़राब हो सकती है कुछ कंपनीज़ के लिए। तो बहुत सारी कंपनीज़ मैनेज कर भी ले रही हैं और कुछ नहीं कर पा रही हैं, सो इट्स डिपेंड करता है, अब सिचुएशन ही ऐसी है, जूझना पड़ेगा और जूझते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा, समय सच में बहुत ख़राब है। ये खबर आई थी, अच्छी खबर नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आप लोग कुछ अपनी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कुछ लीगल एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व हो जाएं, इसलिए ये खबर आप लोग को बताना ज़रूरी है कि इट्स नॉट कंपल्सरी, ये कोर्ट का ही डिसीज़न है। अगर आप ऐसा कुछ करने जा रहे थे मत कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर नाउ। जय हिंद।